एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हरुता अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है, जहां उसकी दोनों दोस्त पूछती है कि बर्थडे कैसा रहा तुम्हारा, तो हरुता बताती है बहुत अच्छा। उसकी दोस्त कहती है हाँ फेस से ही पता चल ही रहा है। एक दोस्त कहती है ये वही रिंग है ना जो कुछ महीनों से तुम पहन रही हो, तो हरुता कहती है हाँ ये म्यूरा ने दिया है, ये रिंग मेरा सब कुछ है। एक दोस्त कहती है म्यूरा तो इतना कूल है, पता नहीं तुमने उस पर कैसे जादू किया। तो हरुता सोचती है अब क्या ही बताऊं कि हमारे साथ एक किस सिचुएशन में हुई थी। फिर एक दोस्त कहती है नेक्स्ट वीकेंड तुम म्यूरा की मम्मी से मिलने जा रही हो ना, कैसी है उसकी मम्मी। तो हरुता कहती है ठीक ही है, म्यूरा हमेशा उनकी तारीफ करता रहता है, और सोचती है क्या बताऊं मैं तो उनसे एक बार भी नहीं मिली हूँ। नेक्स्ट दिन म्यूरा हरुता से कहता है तो कैसा रहा तुम्हारा गर्ल्स नाइट आउट, वो कहती है बहुत अच्छा, सबने मुझे कॉन्ग्रेट्स कहा। म्यूरा कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर हरुता कहती है हम लोग तुम्हारी मम्मी से मिलने जाएंगे तो मैं कुछ अच्छा सा गिफ्ट ढूंढूंगी। म्यूरा कहता है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, हमारा साथ में ये फर्स्ट मीटिंग होगा तो मैं कुछ ऐसा ढूंढूंगी जो उन्हें पसंद आए। म्यूरा कहता है तुम्हारी यही सब बातें मुझे पसंद आती है। वो कहती है मैं तुम्हारी मम्मी से मिलकर उन्हें कहूँगी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तो उन्हें ये जानकर अच्छा लगेगा। फिर वो बेबी वाला मैटर सोचने लगती है, क्या म्यूरा को बेबी नहीं चाहिए। तो म्यूरा कहता है क्या बात है क्या सोच रही हो, वो कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर म्यूरा उसे गुड नाइट किस देता है। नेक्स्ट दिन एक छोटी सी बच्ची हरुता को मम्मी कहके बुलाती है, तो वो कहती है अरे बाबू तुम्हारी मम्मी कहीं चली गई है क्या। तभी उस बच्ची की मम्मी पास आती है और हरुता से डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी मांगती है। हरुता सोचती है क्या हमारा बच्चा भी म्यूरा जैसा क्यूट होगा, अगर मैं उसे किसी दिन कहूँ कि मुझे बच्चा चाहिए तो शायद वो मुझसे सच कह ना पाए कि आखिर वो क्या फील करता है या क्या चाहता है। ये सब बातें तो शादी से पहले करनी चाहिए, कितना मुश्किल है इस टॉपिक पर उसे बात करना। इस तरह की बातें हर वक्त हरुता के माइंड में चल ही रहा होता है। और यही सब सोचते सोचते वो वॉशरूम पहुंचती है जहां मरीना वॉमिटिंग कर रही होती है। हरुता कहती है तुम ठीक तो हो ना, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा ना कि तुम। तब बीच में ही मरीना कहती है नहीं नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो बस थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मैंने दवाई ले लिया है थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। हरुता कहती है सॉरी ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर मैंने अचानक इस तरह कह दिया। मरीना कहती है अरे कोई नहीं, और वैसे भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड करा है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। ये सुनकर हरुता काफ़ी शॉक्ड होती है। तो मरीना कहती है बच्चे बड़े करना वाकई बेस्ट फीलिंग्स है, पर हम अपने पार्टनर के साथ भी लाइफ गुजार सकते हैं, इसलिए हमने डिसाइड करा है कि हम लोग बेबी नहीं करेंगे। हरुता कहती है ये कितनी अच्छी बात है कि इस तरह के टॉपिक पर तुम बात कर सकती हो कि तुम्हें किस तरह का ज़िंदगी बिताना है। मरीना जाते हुए थैंक यू कहती है कि तुमने मुझे इस मैटर पर सपोर्ट करा तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं करने के डिसीजन से मैं थोड़ा गिल्ट फील कर रही थी, पर अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। हरुता हंसती है। तो मरीना कहती है मेरे हिसाब से शादी के बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हम कैसा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और अगर तुम परेशान हो तो मैरिड कपल अपना परेशानी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हरुता सोचती है मरीना सही कहती है, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए कि हम क्या फील करते हैं। तभी यामागाटा हरुता के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वहीं दूसरी तरफ म्यूरा का फ्रेंड म्यूरा को टीज करता है कि मैंने सुना है फाइनली तुमने सभी को बता दिया है, अब तो तुम ऑफिशियली क्यूट कपल बन सकते हो। म्यूरा कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उसका फ्रेंड कहता है मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता, वैसे शादी के बाद काफ़ी झमेले हैं तो उन्हें झेलने के लिए भी तैयार रहना। दूसरी तरफ यामागाटा कहता है तुम इतने दिनों से म्यूरा की बीवी थी और मुझे पता भी नहीं था। हरुता कहती है इसके लिए सॉरी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो यामागाटा कहता है तुम्हारा शादी मुझसे क्यों नहीं हुआ, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन हरुता यहाँ उससे कहती है कि आई एम सॉरी बट मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती, अफकोर्स मेरे कुछ परेशानियाँ हैं पर मैं उन्हें म्यूरा के साथ मिलकर सॉल्व करना चाहती हूँ। और अब यामागाटा वहाँ से चला जाता है। हरुता सोचती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आज ही म्यूरा को सब कुछ बता दूंगी। नेक्स्ट दिन वो घर में रिहर्सल कर रही होती है कि किस तरह वो म्यूरा से बात स्टार्ट करेगी, और उसी टाइम पीछे से म्यूरा भी बिना आवाज के पहुंचता है। वो हरुता का रिहर्सल देखकर मजे लेता है, फिर दबे पांव पीछे जाता है और कहता है हाँ। हरुता उसे देखकर हैरान रह जाती है, वो कहती है तुम कब से यहाँ हो। तो म्यूरा कहता है तुम्हारे स्टार्टिंग रिहर्सल से लेकर लास्ट तक के रिहर्सल तक। हरुता सोचती है अरे कितना एम्बैरेसिंग है ये। तो म्यूरा कहता है तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे। तो वो कहती है मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तो म्यूरा कहता है वैसे तुम ये खाते खाते मुझे बता सकती हो। हरुता कहती है ये तो बहुत फेमस डिश है ना। तो म्यूरा कहता है कल रात से तुम थोड़ी अपसेट लग रही थी ना। त
तब हरुता उसे हक करती है। मीरा कहता है, ये किस लिए स्वीटी पाई? तो वो कहती है, कुछ नहीं, बस प्यार आ गया। अगले दिन वो कहती है, तुम सच बताओ, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना? अचानक ऐसे सवाल सुनकर मीरा शॉक्ड होता है। तो वो कहती है, अफकोर्स मैं तुमसे फिर भी प्यार करूंगी, चाहे तुम जैसा फील करते हो, लेकिन सच कहूँ तो मुझे एक दिन तुम्हारे साथ बच्चा चाहिए, और ये मैं सच में ऐसा फील करती हूँ। लेकिन डोंट वरी, तुम अपना फीलिंग बताओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तब मीरा कहता है कि मैं भी यही फील करता हूँ कि मैं भी किसी दिन तुम्हारे साथ बच्चा करना चाहूँगा। ये सुनकर हरुता कहती है, लेकिन उस दिन तो तुम कह रहे थे। तब मीरा कहता है, अच्छा वो उसका ये मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैंने वैसे इसलिए कहा था कि अगर तुम अभी प्रेग्नेंट होती हो तो तुम्हें काम से छुट्टी लेना पड़ेगा। हरुता कहती है, ओ तो तुम्हारा ये मतलब था, मैं तो कुछ और ही समझी थी। मीरा उसे कहता है, हमें मिलकर डिस्कस करना होगा और टाइमिंग का डिसाइड करना होगा, और तुम कह रही थी ना कि तुम्हें अभी बिना ब्रेक लिए काम करना है। तब हरुता कहती है, तुम ये सब सोच के वैसा बोले थे? तो मीरा कहता है कि बच्चे किसी एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सबसे ज़्यादा बर्डन तो माँ को ही झेलना पड़ता है। फिर वह कहता है, ये बात ज़रूरी है, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती तुम हो। हरुता काफ़ी खुश होती है, वो सोचती है कि मैं खुश हूँ कि हमने इस बारे बात कर ली, अब हम किसी भी परेशानी को साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। मीरा कहता है, अभी तुम्हें जो कहना था वो कह दिया ना, इसके बाद कुछ भी मन में हो तो उसे दबा के नहीं रखना, सब बताना, ताकि हम लोग साथ मिलकर सोच सके, फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। नेक्स्ट दिन दोनों मम्मी से मिलने जाने वाले होते हैं। हरुता अपना हेयर कर्लिंग आयरन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होती है, और इधर मीरा ये अपने पास छुपाया होता है ताकि उसे परेशान कर सके। अगले दिन मीरा हरुता के साथ अपने होम टाउन पहुँचता है। हरुता कहती है, यहाँ हम लोग ढेर सारा फोटो क्लिक करेंगे, ठीक ना? फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मेरा हाथ पकड़ कर चलोगे? अब मीरा तो टीज करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है, इसलिए हरुता कहती है, हमें अपने मैरिड स्टेटस को छुपाने के लिए इस तरह कभी साथ साथ चलने का मौका नहीं मिला, इसलिए यहाँ मेरा हाथ पकड़ कर चलो। मीरा उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इस तरह पकड़ो तो अच्छा लगता है, और फिर दोनों हंसते हुए जाने लगते हैं। फिर दोनों अपना घर पहुँचते हैं, जहाँ हरुता मीरा की मम्मी को देखकर सोचती है, वाओ तो ये मीरा की मम्मी है। हरुता उसकी मम्मी को अपना इंट्रो देती है। मीरा की मम्मी मीरा से कहती है, तुम्हारी वाइफ तो वाकई काफ़ी क्यूट है। अंदर जाकर हरुता मीरा की मम्मी से कहती है, मीरा ने कहा था आपको स्वीट्स पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए स्वीट्स लेके आई हूँ। उसकी मम्मी उसे थैंक यू कहती है। मीरा उसकी मम्मी से कहता है कि आपको अच्छा देखकर अच्छा लगा। तो उसकी मम्मी कहती है, जब मैंने सुना कि तुमने अचानक शादी कर लिया है तो मुझे लगा कि कहीं मेरे वजह से तुमने जल्दबाजी तो नहीं किया। तो मीरा कहता है, ये सच है कि मैंने आपको रिश्योर करने के लिए तुरंत शादी करा, पर अब मैं हरुता के साथ खुश हूँ। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे मैं पूरी लाइफ इसके साथ स्पेंड कर सकता हूँ। ये पहली ऐसी लड़की है जिसके बारे में ऐसा सोचता हूँ, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ये सुनकर हरुता को काफ़ी अच्छा लगता है। उसकी मम्मी कहती है, तुमने बहुत अच्छी लड़की को पसंद किया है, मैं काफ़ी खुश हूँ। फिर हरुता मीरा की मम्मी से कहती है कि मैं भी मीरा के साथ शादी करके काफ़ी खुश हूँ, थैंक यू जो आपने इसे जन्म दिया। मम्मी जी कहती है, मेरे बेटे का इसी तरह केयर करना। और फिर उन दोनों का आपस में सास बहु का प्यार देखकर मीरा का रिएक्शन काफ़ी फनी वाला होता है। नेक्स्ट दिन दोनों होम टाउन में काफ़ी इंजॉय करते हैं। वे बीच जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, साथ में खाते हैं, टेम्पल जाते हैं, पार्क जाते हैं, और खूब सारा इंजॉय करते हैं। अपने घर लौटने के बाद हरुता कहती है, देखो तो हमने कितना सारा फ़ोटो खींचा है। मीरा कहता है, अपने होम टाउन में घूमकर मज़ा आया। तो हरुता कहती है, हाँ क्योंकि वहाँ मैं जो थी। फिर मीरा कहता है, अगले बार हमें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहिए। हरुता कहती है, तो नेक्स्ट वीकेंड चले, मैं तो वहाँ जाकर अपनी मम्मी को ये रिंग दिखाकर काफ़ी शो ऑफ करने वाली हूँ। फिर दोनों रोमांस करते हैं। हरुता कहती है, थैंक यू मेरे हबी बनने के लिए। मीरा भी कहता है, सेम योर वाइफी। फिर दोनों अपना नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट दिन वो मसाज वाला लड़का कहता है, लगता है तुमने अपने परेशानियों को सॉल्व कर लिया है। तो हरुता कहती है, अरे तुम ये फिर से बता सकते हो? तो वो हंसते हुए कहता है, हाँ। वह कहती है, तुम सब कुछ ऐसे कैसे जान लेते हो? मसाज वाला लड़का कहता है, तुम्हारा बॉडी ऑनेस्ट है, इसलिए दिल की सारी परेशानियां बाहर ले आता है। फिर वो हरुता के पास बैठता है और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। हरुता शॉक्ड होती है कि शिट, यामागाटा के बाद अब ये भी। तभी वो लड़का कहता है, तुम जो रिंग हमेशा पहने रहती हो वो कहाँ है? हरुता हैरान होकर सोचती है, अरे रिंग कहाँ चला गया? वो सोचती है और परेशान होती है कि ऐसे कैसे गुम हो गया, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और आज का स्टोरी यहीं तक, तो आगे का स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।